पूर्व पक्षी कहता है अभाव लक्षणम अपि अज्ञानम न जानम इति ज्ञान विरोधित्वेन एव भासते। अभाव से विलक्षण आपने अज्ञान को माना, ज्ञान अभाव से अलग भावात्मक अज्ञान है, फिर भी न जानम इत्यादि में ज्ञान विरोधित्वेन एव, ज्ञान का विरोधी अज्ञान ये मालूम होगा, माने अज्ञान विरोधात्मक हो गया, ज्ञान के विरोधात्मक अज्ञान है, तो विरोध का प्रतिबिंब कौन हो जाएगा? ज्ञान। विरोध का निरूपक कौन है? ज्ञानी है। और ज्ञान के यदि ज्ञान है आपको तो विरोध क्या होगा? कि प्रतिबिंब ज्ञान के बिना तद्विशिष्ट ज्ञान होगा नहीं, तो ज्ञान का ज्ञान यदि है फिर ज्ञान का विरोध क्या होगा? ज्ञान का विरोध का मतलब क्या? अज्ञान है। अज्ञान है का मतलब ज्ञान नहीं होना चाहिए, तभी तो विरोध है। परस्पर विरुद्ध वस्तुओं में एक क्यों दूसरा धो नहीं सकता। से ज्ञान का विरोधी अज्ञान है निश्चय के लिए हमें विरोध का निरूपक जो ज्ञान है उसे ज्ञान होना जरूरी है। तो आपके यहाँ भी तो व्याघात दोष रह गया। ये पूर्व पक्षी न जरूरी ज्ञान विरोधित्व नहीं भासते, मोहादिपदे अभी प्रलयादिपदवत तद अनुल्लेख मात्र। कत फिर इसको उल्लेख क्यों नहीं हुआ? इसलिए जिस प्रकार से प्रलय कह दिया जाता है, प्रलय में सृष्टि का अभाव, ये सृष्टि विरोधी, वैसे कोई वहाँ अक्षर या पद या शब्द उल्लेख नहीं कर रहा है। भावात्मक दिखता है शब्द, लेकिन वहाँ सृष्टि अभाव का बोध करा रहा है, सृष्टि के विरोधित्व का बोध हो गया। एवमेव मोह शब्द में भी है, ज्ञान अभाव है वहाँ पर भी, ज्ञान का विरोधी अज्ञान है वहाँ पर भी, लेकिन निषेध का उल्लेख करने वाला कोई अक्षर ही नहीं। जैसे अज्ञान में कम से ओ निषेधवाचक तो है ना, नहीं समास किया है आपने, वहाँ उसके बिना भी विरोध अर्थ लिया जा रहा है, तो यहाँ क्यों नहीं होगा? इसलिए प्रलयादिवत कह दिया, प्रलयादि पदवत मोहपदे भी तद अनुल्लेख मात्र। के बीच में एक देश ने कहा हम मोह के समान मान लेंगे इसको, उसका खंडन करता है। जैसे दिया यहाँ पर यद्यपि मोहादि पदों के द्वारा भी अज्ञान का प्रतिपन्न होता है, किंतु ज्ञान विरोधित्व ना वन नहीं होता, क्योंकि मुग्धोस्मि इस वाक्य में ज्ञान विरोध प्रतिपादक कोई पद नहीं है। यद्यपि नहीं है तथापि अर्थ वही है, ज्ञान विरोध लेना ही पड़ेगा अज्ञान है तो। तथापि जैसे प्रलयादि पदों में नए का उल्लेख न होने पर भी ध्वंसाभाव की बोधकता मानी जाती है, संसार ध्वंस का अभाव का प्रध्वंसाभाव ये मालूम हो रहा है। वैसे मोहादि पदों में भी नए का उल्लेख न होने पर भी ज्ञान विरोधित्व ना अज्ञान की बोधकता मानी जाती है, जैसा कि विवरणकार ने कहा है। उक्तंच विवरणे अज्ञान मिति द्वया सापेक्ष ज्ञान प्रदासेन विधानात्। अज्ञानमिति एक ऐसा है अज्ञानम, ये पद का विधान कैसा होता है? द्वय सापेक्ष ज्ञान प्रदासेन, दो सापेक्ष दो चीजों को अपेक्षा रखने वाले ज्ञान का प्रदास करने वाले माध्यम से, यानी विरोध के द्वारा, वर्जन के द्वारा ही अज्ञान पद का अभिधान होता है। द्वय कौन है? आश्रय और विषय, इन दोनों की अपेक्षा लेकर ज्ञान व्यवहार होता है। वही कह रहे देखिए, अज्ञान पद के द्वारा आश्रय विषय रूप जो दो पदार्थों की अपेक्षा रखने वाले ज्ञान का प्रदास करते हुए अज्ञान का अभिधान होता है। अज्ञान शब्द प्रयोग होता है। ज्ञान कौन है? जो आश्रय विषय रूप का अपेक्षा रखता है, आश्रय और विषय दोनों की अपेक्षा रखने वाला ज्ञान है। कि वृत्ति ज्ञान जितने भी हम लोगों का है इसी को लेकर तो विचार चल रहा है। आपने कहा हम अज्ञान, वृत्ति ज्ञान ही तो है, मई ज्ञानम नास्ति, वृत्ति ज्ञान है। ये ज्ञान हमेशा क्या करता है कि आश्रय की अपेक्षा रखेगा और विषय की भी अपेक्षा रखता है। कहाँ रहता है सब ज्ञान? अंतकरण में है, आश्रय तो अंतकरण हो गया। विषय क्या है इसका? ये विचार चल रहा है, अज्ञान विषय है। अज्ञोस्मि में, मई ज्ञानम नास्ति में अज्ञान विषय है। या आश्रय विषय दोनों की अपेक्षा रखते हुए जो ज्ञान है उस ज्ञान के विरोधित्व को ही अज्ञान करके कहा गया। तादृश ज्ञान का विरोधित्व न अज्ञान से व्यवहार होता है। इसका अर्थ क्या है? आश्रय और विषय विशिष्ट ज्ञान का विरुद्ध
अज्ञान, ये लेना चाहिए कथित विवरणकार के मत। अन्यथा यदि नहीं ऐसे मानेंगे तो ज्ञान से अज्ञान विरोधित्वम अप्रामाणिकम स्यात्। आश्रय विषय उभय सापेक्ष ज्ञान विरोधित्व अज्ञान के प्रति यदि नहीं मानोगे फिर ज्ञान का अज्ञान के साथ विरोध ही अप्रामाणिक हो जाएगा। तथा च विरोध निरूपक ज्ञान से ज्ञान अज्ञानाभ्याम तवापि कथम न व्याज्ञात। इसलिए विरोध का जो निरूपक ज्ञान है उस ज्ञान का ज्ञान है फिर ज्ञान के विरोध में अज्ञान उपस्थिति नहीं हो पाएगा। ज्ञान आते ही क्या होगा उसका विरोधी अज्ञान नष्ट हो जाएगा। फिर प्रकाश आते अंधकार नष्ट होगा, परस्पर विरोध में ही नियम है। तब प्रकाश और वह तम है तो मैंने प्रकाश नहीं है, प्रकाश है तो मैंने तम निवृत्त हो जाएगा, नियम है। यदि ज्ञान का ज्ञान है आपको फिर तद विरोधी अज्ञान मिट जाएगा अपने आप, असंभव हो गया अज्ञान का। और ज्ञान का अज्ञान है, ज्ञान का ज्ञान नहीं है आपको, ज्ञान का ज्ञान ही नहीं, मैंने प्रत्येक ज्ञान ही नहीं रहा। जब प्रत्येक ज्ञान नहीं तद विरोधी अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा आपको, तब भी असंभव दोष हो गया। जैसे आप हमें फंसा रहे थे ज्ञानाभाव में, प्रत्येक ज्ञान है और अज्ञान है दोनों दिशा में व्याघात दोष आता है, वही आप में भी आ गया। अभी क्यों ज्ञान विरोधी में विरोध का निरूपक होता है ज्ञान, उस निरूपक का ज्ञान के बिना निरूपी का बोध हो नहीं सकता। इसे उसके ज्ञान है तो फंसे, नहीं है तो फंसे, व्याघात दोष पर क्यों नहीं होगा, ये पूर्व पक्षी ने पूछ रहा है। कथम न व्याघात। इतना ही नहीं एवं निर्विषय अज्ञान अप्रतीते है विषय ज्ञान अज्ञान अपि व्याघात आपादनीय आपादनीय दीर्घनीय। इतने इसी प्रकार के निर्विषय ज्ञान की प्रतीति वास्तव में संभव ही नहीं है। अरे विषय विषय ज्ञान और अज्ञान के होने पर भी अज्ञान की प्रतीति का विरोध आपादन किया जा सकता है। निर्विषय अज्ञान अप्रतीत है, या निर्विषय अज्ञान अप्रतीत नहीं होने चाहिए मेरे ख्याल से, निर्विषय ज्ञान की प्रतीति संभव नहीं। इसी पर निर्विषय ज्ञान की प्रतीति संभव नहीं, अतः विषय विषय का ज्ञान और अज्ञान के रहने पर भी अज्ञान की प्रतीति का विरोधापादन किया जा सकता है। जब अज्ञान के भाव और अभाव दोनों पक्षों में समान रूप से व्याघात दोष विद्यमान है तो उसको उद्भावन करना ही उचित नहीं, सिद्धांत पर कहेगा। एवं निर्विषय अज्ञान अप्रतीत है, दोनों तरफ घटा सकते हैं। निर्विषय ज्ञान जैसे नहीं हो सकता उसे निर्विषय अज्ञान की प्रतीति नहीं हो सकती। अतः विषय विषय का ज्ञान यदि है तो विषय विषय का ज्ञान नहीं रहेगा। इसे कहता है कि ये जो है निर्विषय का ज्ञान और निर्विषय ज्ञान दोनों संभव नहीं है। अतः विषय विषय ज्ञान यदि है या विषय विषय का अज्ञान यदि है आपको दोनों ही दिशा में अज्ञान का विरोध स्थापित हो जाएगा। कि विषय विषय ज्ञान यदि है तद विरोधी अज्ञान उत्पन्न नहीं हो सकता। यदि विषय विषय का अज्ञान है उसके विरोधी कहाँ से बन जाएगा, कोई अज्ञान कहाँ खड़ा होएगा। प्रतियोगी नहीं रहना, निरूपक ज्ञान रहा नहीं आपको, उससे निरूपित अज्ञान कैसे बोध होगा, उसका विरोधी का ज्ञान कैसे हो जाएगा। ज्ञान विरोधी का नाम अज्ञान, जब ज्ञान का ही अज्ञान है उसके विरोधी का अज्ञान का ज्ञान कैसे होगा, नहीं हो पाएगा। इस स्थिति में दोनों ही प्रकार से आपका व्याघात दोष आ जाता है। ऐसी स्थिति में आप हम पर ही केवल दोष जो देना चाह रहे हो ये उचित नहीं है। ज्ञानाभाव स्वीकार करने पर आप व्याघात दोष देते हो ये उचित नहीं, कि आपके मत के अनुसार ज्ञान विरोधित्व अर्थ दूंगा तब भी वही दोष रह गया। जैसे समान दोष होता है असमान परिहार है और किसी एक पर उद्भावन आप नहीं कर सकते, दोषोद्भाव नहीं किया जा सकता है। उसी के लिए श्लोक वार्तिक दे रहा है, यत्रो वयो समो दोष परिहारोप्यवा असम नैक पर्यन्युक्तव्य ताद्रगर्त विचारणे। यत्र उभयो समो दोष, जहाँ दोनों पक्षों में समान दोष होवे या समो व परिहार या परिहार समान होवे, उस स्थिति में किसी एक पक्ष में परिनियोग करना उचित नहीं होता है। उस प्रकार के पदार्थ का विचार करने में ताद्रगर्त विचारणे एक न परिनियोक्तव्य। जिस विचार के चर्चा के समय में वाद्य प्रति दोनों के पक्षों में समान दोष हो या समान परिहार हो उसमें एक पक्ष में आप दोष देते हैं उचित नहीं होता है।
इति न्यायेन उभयपरिहरणीयस्य परिहरणीयस्य हो गया रणीय उभयपरिहरणीयस्य व्याघातस्य ज्ञानाहोपक्ष एव आपादनम अनुचितम। दोनों के द्वारा परिहार करने योग्य जो व्याघात रूप दोष है उसको ज्ञानाभाव पक्ष में ही आपादन करना और ज्ञान विरोधी पक्ष में आपादन न करना, अपने पक्ष में नहीं होगा बोलना, यह अनुचित है। अनुचितम इति चेत न कतः सम्मत कहो। प्रमाण वृत्ति निवर्त्यस्यापि भाव रूप ज्ञानस्य साक्षी वेद्यस्य विरोध निरूपक ज्ञान तद आवर्तक विषय ग्राहकेण साक्षिणा तत्साधकेण तद अनाशाद व्याहति अनुपपत्ते है। कहते हमारे मत में व्याहति नहीं है भाई, व्याघात नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि ये जो आपने कहा ज्ञान विरोधी भाव पदार्थ को ये अज्ञान कहा करते हैं, इतना को मानता हूँ, ये तो ठीक है। किंतु विरोध का निरूपक अज्ञान तथा अज्ञान का व्यावर्तक विषय जो साक्षी वेद्य है, दोनों हमारे मत में प्रमाण वृत्ति निवर्त्य और भाव रूप है। ऐसे अज्ञान से अज्ञान ज्ञान अयोगात, इसे अज्ञान का ज्ञान हो नहीं सकता। आप जो कर्ण अज्ञान का ज्ञान होता है, अज्ञान का ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है। निरूपक ज्ञान के अभाव मात्र से ही तद विरोधी का ज्ञान हो जाएगा कि साक्षी वेद्य हो, अर्थात प्रमा ज्ञान की अपेक्षा नहीं है। कहने का मतलब उसको प्रमा होने की जरूरत नहीं है। देखिए कैसे कहते हैं, विरोध निरूपक ज्ञान तद व्यावर्तक विषय ग्राहकेण साक्षिणा। विरोध का निरूपक कौन है? अज्ञान जो है ज्ञान विरोधी है। ऐसा अज्ञान में विरोध का निरूपक हो गया ज्ञान, और ज्ञान तो साक्षी वेद्य होता है हमेशा, वृत्ति ज्ञान। और तद व्यावर्तक विषय ग्राहकेण, और अज्ञान का व्यावर्तक जो विषय है उसके भी ग्राहक कौन है? साक्षी है। अमुक का अज्ञान नहीं है, आपको कहना है वो विषय भी साक्षी वेद्य होता है। अतः दोनों ही विरोधी विरोध निरूपक ज्ञान, ये हिंदी में थोड़ा गलत है, यहाँ पर भी है विरोध का निरूपक अज्ञान लिख दिया, विरोध का निरूपक ज्ञान तथा अज्ञान का व्यावर्तक विषय। विरोध का निरूपक है ज्ञान, और उस ज्ञान का विषय, इन दोनों के ग्राहक कौन है? साक्षी है। आगे जो कह रहे थे साक्षी ज्ञान अज्ञान का व्याहंता या निवर्तक नहीं, अपितु साधक माना जाता है। इसे साक्षिणा तद साधक न तद अनाशात व्याहति अनुपपत्ते है, कि साक्षी के द्वारा उस अज्ञान का साधन ही होने के कारण से न वो साधन को ना मैंने अज्ञान का नाश करता है, ना अज्ञान के उसका व्याहति ही रह गया। क्योंकि प्रमाण जन अंतग्न वृत्ति को ही भाव रूप अज्ञान का हम निवर्तक मानते हैं, अतः किसी प्रकार की व्याहति विरोध अद्वैत उपस्थिति नहीं होगी। कटा तो सकते हैं कि एक दूसरे का विरोधी यही है, अज्ञान के विरोधी ज्ञान है, ज्ञान के विरोधी अज्ञान है, यहां से लो वहां से लो, और दोनों ही साक्षी वेद्य है। अज्ञान भी साक्षी वेद्य, ज्ञान भी साक्षी वेद्य है, अज्ञान का विषय भी साक्षी वेद्य, ज्ञान का विषय भी साक्षी वेद्य है। अतः सबको का सभी का साधक तो साक्षी है, अतः साक्षी घातक नहीं हो सकता, साक्षी उसका साधक बन जाएगा ना उसका नाशक, अतः व्याहति रोध नहीं रह गया। क्योंकि प्रमाण वृत्ति मात्र निवृत्ति है, प्रमा ज्ञान के द्वारा ही निवृत्त होता है। अच्छा ज्ञान सामान्य को विचार करेंगे तो नहीं लगेगा वहां दोष, व्याघात दोष रहेगा। कि ज्ञान का ज्ञान होने पर उसने कहा था ना अज्ञान कैसे होगा, अरे ज्ञान का ज्ञान की अपेक्षा ही नहीं है। कि ज्ञान के ज्ञान से क्या मतलब, प्रमा ज्ञान लोगे क्या? यदि प्रमा ज्ञान है तो अज्ञान का निवर्तक हो जाएगा, फिर तो अज्ञान रहेगा ही नहीं। हम कहेंगे जो साक्षी वेद्यते अस्वीकार कर रहा हूं ज्ञान, वो विरोध नहीं करेगा, वो व्याघात नहीं करेगा उसका, ये इनका कहना है। तदुक्तम विवरण, इस बात को विवरणकार ने कहा है, अज्ञान ग्रह विषय गोचर प्रमापेक्षायाम व्याहति स्यादेव, देखा कहा ना अज्ञान ग्रहण करने में यदि विषय गोचर जो प्रमा अज्ञान का जो विषय है वह विषय ही विषय जिसका, ऐसे प्रमा की अपेक्षा करने लगा ज्ञान शब्द से, तब तो विरोध है।
जिस अज्ञान का जो विषय है उस विषय के दिन बस प्रमाज्ञान आ जाएगा, फिर वो प्रमाज्ञान उस विषय के अज्ञान को मिटा ही देगा, वहाँ व्याघात होगा। वहाँ तो व्याघात व्याहत सदैव साचन नास्ति। और हम यहाँ पर प्रमाज्ञान नहीं लेंगे ना, ज्ञान और अज्ञान जो विरोध हम कह रहे हैं ये प्रमाज्ञान का अज्ञान के साथ नहीं, वृत्ति ज्ञान सामान्य को लेकर कह रहा हूँ। वो जो साक्ष्य वैद्य है और ये अज्ञान भी साक्ष्य वैद्य एक दूसरे का साधक ही बना, व्याघात नहीं रह गया, ये सिद्धांत का कहना है। तदुक्तम विवरण इस बात विवरणकार ने कहा भी है, सर्वम वस्तु ज्ञातते अज्ञातते वा साक्ष्य चस्य विषय एव इति, सकल वस्तु ज्ञाततया या अज्ञाततया साक्ष्य चैतन्य का ही विषय हुआ करता है। अतः सकल विषयों का सामान्य ज्ञान और सकल विषयों का सामान्य अज्ञान, ये तो दोनों साक्ष्य विद्य होने के नाते परस्पर उनका कोई विरोध नहीं होता। विरोध तब होगा एक साक्षी वेद्य है दूसरा प्रमाजन्य, प्रमाणजन्य प्रमा है, तब विरोध होगा। न चैव ज्ञान उपक्षे भी विषयादि ज्ञान साक्षी रूप, हमारे मध्य व्याघात दोष दूर हो जाएगा ज्ञानाभाव में भी। ज्ञानाभाव का प्रतियोगी ज्ञान है, उस ज्ञान का ज्ञान है तो आपने कहा था, वहां भी होंगे उस ज्ञान का ज्ञान सामान्य ज्ञान वृत्ति ज्ञान। अभी ज्ञान का ज्ञान प्रमा ज्ञान नहीं लूंगा, पर द्वाय व्याघात दूर हो गया, ऐसा पूर्व पक्ष कहता है। न जो ज्ञानाभाव पक्षे भी विषयादि ज्ञानम साक्षी रूपम, न जाना मिति धीस्तो प्रमाण वृत्ति अभाव विषय इति न व्यातृत न वाच्यम, और न जाना मित्र जो है प्रमाण वृत्ति अभाव विषय है, और ज्ञान का जो ज्ञान था वो साक्षी वेद्य है, इस तरह से कोई व्याघात दोष नहीं रहेगा। इति न च वाच्यम, ऐसे मत कहो। इति जैसे अद्वैत मत विषय आदि का ज्ञान साक्षी रूप मान करके आपने व्याघात दोष दूर कर दिया, इसे वो भी कहता है अभाव में ज्ञान अभाव का प्रतिबिंब ज्ञान का जो ज्ञान है वो भी साक्षी रूप ही है, प्रमारूप है नहीं। प्रमारूप होता तो विरोध नहीं है, उसका यदि ज्ञान हमको प्रमा ज्ञान हो ही गया तद विषय प्रमा ज्ञान हो गया पर तो ज्ञान टिकेगा नहीं, वहाँ व्याघात होगा। तार आज तक प्रमा ज्ञान रूपी यदि प्रतियोगी ज्ञान है तार से ज्ञान अभाव आपको हो ही नहीं सकता, इसे प्रमा नहीं मानो। यहाँ पर भी ज्ञान का ज्ञान से हम साक्षी रूपा ले लूंगा, वो तो विरोध नहीं रहेगा, ऐसा पूर्व पक्षी कहता हमारे मत में व्याघात दोष नहीं होगा। तो भाव रूप अज्ञान से साक्षात साक्षी वैद्यत्व न तत्वच्छेद विषय आदि तद्वारा साक्षी वैद्यत्व संभव है, अभी हमारे मत में संभव है तुम्हारे मत में संभव नहीं, क्योंकि अभाव ज्ञान तुम्हारे किस प्रमाण से होता है, साक्षी वैद्य नहीं है अनुपलब्धि प्रमाण वैद्य है। अभाव जो है अनुपलब्धि प्रमाण वैद्य है, अतः तद विषय जो वहां पर ज्ञान होगा वो प्रमा ही होगा प्रमाणजन्य होने से, वो साक्षी वैद्य नहीं माना जाएगा तुम्हारे मत में। हमारे मत में ज्ञान और ज्ञान का विषय दोनों साक्षी वैद्य हो जाता है साक्षात, क्योंकि अज्ञान को हमने भाव पदार्थ मान लिया, अभाव पदार्थ में तो हम भी फंसते, हमारे लिए भी अभाव पदार्थ क्या है अनुपलब्धि का विषय है, प्रमा हो जाएगा फिर। वो ये कह रहे हैं कि भाव रूप जो अज्ञान है हमारे मत में साक्षात साक्षी वेद्य होने के कारण तद अवच्छेद जो विषय आदि है विषय और आश्रय वो भी तद्वारा साक्षी वेद्य स्वभाव है, वो भी अज्ञान द्वारा ही साक्षी वेद्य हो जाएंगे। अभाव से अनुपलब्धि गम्यत्वेन साक्षात साक्षी वेद्य तो अभाव, और अभाव जो है लेकिन तुम्हारे मत वाला वह अनुपलब्धि गम्य है, वह साक्षात साक्षी वेद्य नहीं रहा, परम पर्याय होगा वो। न तद्वारा तदवच्छ विषयादे साक्षी वेद्यताम, इसलिए तार ज्ञान अभाव के द्वारा अवच्छ उसका अवच्छ विषय आदि साक्षी वेद्य नहीं हो सकेंगे। इति वैषम्यात, यह हमारे और तुम्हारे मत में ये विषमता है। ज्ञान वृद्धि भाव रूपम अज्ञानम, यद्यपि ज्ञानम साक्षी वेद्यम तद्वारा तदवच्छेद को विशिष्ट साक्षी वेद्य, पूर्व पक्ष कहता है ठीक है, यद्यपि साक्षी वेद्य ज्ञान के उत्पन्न होने पर उसके विषय भी परिस्पृत हो जाता है, तथापि ज्ञानाभाव न साक्षी वेद्य, फिर भी ज्ञान अभाव जो है ज्ञान का भाव
वो साक्ष्य विद्या नहीं मान सकते, क्यों? तस्य अनुपलब्धत्वात् हेतु दे दिया, वो अनुपलब्ध है, इसलिए आप अनुपलब्ध प्रमाण का विषय बना रहे। जो उपलब्ध होगा उसी को तो साक्षी प्रकाशन करेगा, जो उपलब्ध ही नहीं है उसको साक्षी कैसे प्रकाशन करेगा, इसे अनुपलब्धत्व कह दिया। आप स्वयं कह रहे हैं उपलब्ध है ही नहीं, प्रतियोगिता ज्ञान, जो उपलब्ध नहीं है तो साक्षी उसको कैसे प्रकाशन करे तुम्हारे मत के अनुसार। ज्ञान अभाव का प्रतियोगी आपके ये कहना है उपलब्ध नहीं, यद्यादि यदि अत्र ज्ञानम स्यात् तर उपलभ्य, तो यदि आत्मनि ज्ञानम स्यात् तरी आत्मनि ज्ञान उपलभ्येत, ये तो न स्यात् अतएव आत्मनि ज्ञानाभाव स्यात्, ये तुम्हारा कहना है। जब अंतकरण में या आत्मा में, तुम्हारे मत में आत्मा में अमर मत में ज्ञान अंतकरण में जब ज्ञान ही नहीं है तो साक्षी कैसे प्रकाशन करेगा उसको, व्याकरण दोष कहाँ से आएगा हमारे मत में। तस्य अनुपलब्धत्वात् उत्पन्नंच ज्ञानम साक्षात् साक्षी वेद्यम, कि जो उत्पन्न ज्ञान है वही साक्षी वेद्य, और तुम्हारे से जहाँ ज्ञान उत्पन्न हो गया तुरंत साक्षी वेद्य हो जाएगा, फिर व्याकरण दोष तुम्हारे यहाँ रह जाएगा। जब ज्ञान का ज्ञान है मैंने प्रतियोगी ज्ञान हो गया आपको साक्षी से है, फिर उसके अभाव कहाँ से हो जाएगा, व्याकरण दोष रह जाएगा तुम्हारे मत में। तस्मिश्च उत्पन्ने तद विषयों विस्मृति, इसलिए उसके उत्पन्न होने पर उसके विषय विस्मृत हो जाएगा, कुतो ज्ञान अभाव पे, फिर ज्ञान अभाव कहाँ रह जाएगा, मिट ही जाएगा, असंभव हो जाएगा। अज्ञान विशेषणतया तो अनुत्पन्न भी ज्ञानम साक्षी वेद्यमिति न दोष साम्याम, इसे अज्ञान का विशेषण भूत होने के बावजूद भी वह अनुत्पन्न जो ज्ञान है वह साक्षी वेद्य हो जाता है। अज्ञान विशेषणतया तो अनुत्पन्न भी ज्ञानम साक्षी वेद्यम इति न दोष साम्यम, हमारे यहाँ हो जाएगा अनुत्पन्न ज्ञान भी साक्षी वेद्य हो जाएगा अज्ञान का विशेषणतया, क्योंकि हमारे अज्ञान साक्षी वेद्य, उसके विशेषणतया जो उसका ज्ञान है विरोधी ज्ञान वो भी साक्षी वेद्य हो जाएगा, लेकिन तुम्हारे ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि अभाव साक्षी वेद्य मान भी लिया जाए, अभाव को साक्षी वेद्य मान भी लिया जाए उसका विशेषण तक ज्ञान साक्षी वेद्य तुम्हारे लिए इसलिए नहीं होगा क्योंकि ज्ञान तुम्हारे अनुसार उपलब्ध ही नहीं है, अनुपलब्ध है। हमको विशेषण तो उपलब्ध हो जाए, तुम्हारे विषय तो उपलब्ध इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि अनुपति प्रमाण के विषय मान रहे हो अभाव। मैं ज्ञान विरोधी अभाव हम भाव रूप मानेंगे, भाव के विशेषण में से ग्रहण हो जाएगा और दोनों में विरोध नहीं है, तो परमात्मा का नहीं है साक्षी का विशेषण तो केवल मैंने ग्रहण कर लिया है, साक्षी का विशेषण तो ग्रहण करें मैं से प्रमाण ही हो जाएगा। साक्षी वेद्य अज्ञान का विशेषणत्व है ना, ग्रहण करने मात्र से वह ज्ञान प्रमाण ही हो जाएगा, कि विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान नहीं है यहाँ। अब उस पर विचार के लिए भूमिका डाल दिए, बीज डाल दिए यहाँ पर सिद्धांत ने, वो कहेगा यदि विशिष्ट विशिष्ट ज्ञान है विशेषण का भी जो विशेषण होगा उसे ज्ञान होना अनिवार्य है। जैसे दंडी पुरुष में पुरुष का विशेषण दंडी, उसका विशेषण दंड, दंड के ज्ञान के बिना दंडत्व ज्ञान के बिना दंड नहीं और दंड के बिना दंडी पुरुष नहीं, ऐसा यहाँ पर नहीं है। साक्षी वेद्य है अज्ञान, मतलब साक्षी का विशेषण हो गया अज्ञान, उसका विशेषण कौन है ज्ञान, तद विरोधित्व ना निर्विरोध निरूपकत्व ना विरोध निरूपकत्व ना ज्ञान अज्ञान का विशेषण है, और अज्ञान विशेषण हो गया है साक्षी का हमारे मत में। इसमें समस्या इसलिए नहीं है क्योंकि हम उस विशेषण के ज्ञान को अनिवार्य नहीं मानते, इसको हम विशिष्ट वैशिष्ट वैज्ञानिक ज्ञान नहीं मानते, फिर क्या मानेंगे। दो प्रकार होता है दंडी पुरुष को समझना, एक होता है दंडत्व ज्ञान पूर्वक दंड ज्ञान विशिष्ट हुआ और तद विशिष्ट पुरुष हो गया, यहाँ पर एक दूसरे की अपेक्षा है और सब सविकल्पक है। पहले सविकल्पक ज्ञान हुआ आपको दंडत्तावच्छिन्न दंड, फिर उसे एक और सविकल्प ज्ञान हुआ दंडवान एम पुरुष, दो सविकल्प ज्ञान है वहां पर, तब विशिष्ट वैशिष्ट कहा जाएगा।
और दूसरा विशिष्ट वैशिष्ट नहीं है। विशिष्ट विशेषण तत्रापि विशेषण मात्र निर्विकल्पक है। वहां निर्विकल्पक ज्ञान से एक सविकल्पक ज्ञान पैदा हो रहा है, इतना ही है। विशेषण का विशेषण क्या है? निर्विकल्पक है, उसे विशिष्ट नहीं रहा अभी, उसके बाद सविकल्प पैदा हुआ, विशिष्ट पैदा हो गया, ऐसे मान के जवाब देंगे। देखिए उसके लिए भूमिका बांध दिया इन्होंने। नच अवच्छेद से विषयादे प्राग अज्ञाने कथम तिष्ट अज्ञान ज्ञानम विशेषण ज्ञान आदि नत्वाद विशिष्ट ज्ञान से नच वाच्यम। अवच्छेद का अवच्छेद कौन है? विषयादि। उसका प्राग अज्ञाने यदि उसका ज्ञान ही नहीं है, कथम तद विशिष्ट अज्ञान ज्ञानम। यदि आपको घट मालूम ही नहीं क्या है तो घट विशिष्ट अज्ञान कहाँ से आपको बोध हो जाएगा? ऐसा ज्ञान का ज्ञान नहीं होगा कि अवच्छेद कस्य विषयादे है। अज्ञान का अवच्छेद कौन हो जाएगा? घटादि। उन विषयादि घटादियों का प्राक अज्ञान है। यदि घट का ज्ञान ही नहीं आपको तो कथम तद विशिष्ट अज्ञान ज्ञानम तारस गृष्ट विशिष्ट अज्ञान। उस अज्ञान विशिष्ट ज्ञान हो रहा है, अज्ञान का ज्ञान हुआ आपको, ये कैसे हो सकेगा? घट अज्ञानवान अहम, घट अज्ञानवान अहम। यदि घट का ज्ञान हो जाएगा तो आपके पास कहाँ से आ जाएगी? ये पूर्व पक्ष बड़ा सुंदर पूछा है कि घट अज्ञानवान अहम, ये जब बोलेंगे ये अहम अज्ञा में बोल रहे हो, अज्ञान आश्रयवान अहम, ये जब आप कहेंगे अरे घट अज्ञानवान अहम जैसे ही हो गया, इसे घटक ज्ञान सापेक्ष हो जाएगा, फिर अज्ञान का ज्ञान कहाँ से होगा आपको? तर्ज ज्ञान वाला मैं हूँ कैसे बोल रहे हैं आप? व्याघात वस्तु आएगा ही। तब कहेंगे विशेषण ज्ञान से विशिष्ट ज्ञान जनकत्व माना भावात। सिद्धांत कहता है हमेशा विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान की उत्पत्ति में, मैंने विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जनक है, मैंने विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का कारण है, जन जनक भाव में कोई प्रमाण नहीं। ऐसे कैसे कह दिया आपने? प्रतियोगित्व अभावत्तयो पूर्व अनुपस्थिति और रपी तारकिर अभाव बोधे प्रकारी भूय भान अभिगमात। किंतु हमारे मत तो वाद बताऊंगा, आप तार्किकों के मत पहले बता रहा हूँ, सुनो। तार्किकों का सिद्धांत क्या है? प्रतियोगित्व और अभावत्व दोनों ही पूर्व से अनुपस्थित है। पहले से बोले तो शुरू में शास्त्र हुई थी अनुपस्थित है पहले, यदि पहले से उपस्थित हो जाए फिर तो प्रमा हो जाएगा तुम्हारे मत के अनुसार, फिर उसके अभाव ज्ञान होगा ही नहीं, मैंने अज्ञान का ज्ञान होगा ही नहीं आपको, इसलिए आपने कहा पहले से उपस्थित नहीं। कल बहुत समझा दिया था मैंने, घट का अज्ञान कहूँगा तो घट व प्रतियोगी है, या घटा अभाव ज्ञान कहूँगा वह घट का प्रति घट में प्रतियोगित्व कब आया? अभाव ज्ञान के बाद ही, अभाव ज्ञान के समकाल में। यदि अभाव ज्ञान होने से पहले से हमको घट में प्रतियोगित्व ज्ञान हो गया होता, प्रतियोगित्व में जो घट का ज्ञान होता, फिर तद अभाव ज्ञान ही नहीं होगा हमको। इसलिए उस घट का सामान्य ज्ञान है, लेकिन घट प्रतियोगी है और उस घट रूपा प्रतियोगी विशिष्ट का अभाव है, यह पहले से ज्ञात नहीं है। प्रतियोगित्व और तद विशिष्ट अभावत्व ये दोनों पहले से ज्ञात नहीं है। तो अब अनुपलब्ध प्रमाण से जो छठा प्रमाण मानने वाले और नहीं मानने वाले तारिकों के लिए विशेषण विशेष भाव से निकर्ष से अभाव ज्ञान पैदा हो रहा है। लेकिन उस अभाव ज्ञान के लिए जो उसका अवच्छेद विषयादि का प्रतियोगित्व ना अपेक्षा नहीं है ज्ञान। यदि प्रतियोगित्व पहले से ज्ञान घट का ज्ञान हो जाए फिर अभाव ज्ञान होगा ही नहीं। इसलिए पहले से आपने स्वयं स्वीकार किया पूर्व अनुपस्थितोरपि तार्किक अभाव बोधे, अभाव बोध में प्रकारी भूय प्रकार रूपेण भाषित होता है, माना आपने भान अभिगमात, मैंने प्रतियोगित्वेन और तद विशिष्ट अभावत्वेन पहले से ज्ञान नहीं था, तभी घटाभाव ज्ञान उत्पन्न हो गया, नहीं तो उत्पन्न ही नहीं होता। यह प्रकार
विशेषण ज्ञान विशिष्ट ज्ञान का जनक नहीं होता है, कि घटक प्रतियोगी का अभाव रूप विशिष्ट पदार्थ के ज्ञान से पहले विशेषणीभूत प्रतियोगित्व और अभावत्वादि का निर्विकल्पक बोध नहीं माना जाता। इसके मत में क्योंकि घटत्व विशिष्ट घटादि के ज्ञान से पूर्व विशेषणीभूत घटत्वादि का निर्विकल्पक बोध माना जाता है, वहाँ प्रमाण में होता है, अयंघटक ज्ञान में माना जाता है, इन अभाव ज्ञान में नहीं माना जाता है, कोई प्रमाण नहीं, क्योंकि घटत्व विशिष्ट घटादि के ज्ञान से पूर्व विशेषणीभूत घटत्वादि का निर्विकल ज्ञान बोध माना जाता है। कहाँ? घटत्व विशिष्ट घटादि के ज्ञान के लिए पहले निर्विकल है ना, उनका प्रक्रिया क्या है, घट घटत्व है, घट घटत्व एक निर्विकल ज्ञान होता है, उसके बाद उससे सविकल घटत्व विशिष्ट घटक ज्ञान सविकल्पक ज्ञान होता है, ये उनके सिद्धांत है। प्रमा स्थलों में क्या है, पहले निर्विकल्पक बाद में सविकल्पक होता है, किंतु घट प्रतियोगी अभाव रूप विशिष्ट पदार्थ के ज्ञान से पहले विशेषणीभूत प्रतियोगित्व और अभावत्वादि का निर्विकल्पक बोध नहीं माना जाता है, क्योंकि समस्त विशेषण विशिष्ट अभाव पदार्थ को केवल सविकल्पक बुद्धि का ही विषय माना जाता है, वो सीधे सविकल्पक विशिष्ट बुद्धि पैदा होती है, ऐसा मानते वो लोग, ये उनका सिद्धांत है। अलग अलग पर निर्विकल्प नहीं होगा, घट घटत्व है या घट घटत समवाया, फिर उसे एक विशिष्ट सविकल्पक ज्ञान जैसे भाव ज्ञान में माना गया वैसे अभाव ज्ञान में नहीं मानते वो, सीधे विशिष्ट सविकल्पक ज्ञान पैदा हो जाता, पहले निर्विकल्पक बाद में सविकल्पक नहीं, इसलिए उनके यहाँ समस्या खड़ी हो रही है। केवल सविकल्प बुद्धि का विषय माना जाता है, अतः पूर्व अनुपस्थित निर्विकल्पक का विषय रूपेण अनुपस्थित जो प्रतियोगित्व अभावत्वादी है विशेषणों का भान अभाव ज्ञान में तार्किक वत सीधे स्वीकार कर लिए। भाव ज्ञान में क्या हो रहा है, उसका जो अवच्छेदक आदि है वे निर्विकल्प का विषय अनुपस्थित थे, फिर सविकल्प बन गया था, और यह ऐसे है ही नहीं, सीधे आप मान लेते हो, पूर्व उपस्थित है ही नहीं, उपस्थिति की अपेक्षा ही नहीं है, अगर उपस्थिति ही नहीं है पूर्व में तो उसका ज्ञान भी नहीं रहेगा, और उसके ज्ञान की अपेक्षा करोगे तो व्याघ्र दोष जरूर आएगा अभाव ज्ञान के प्रति वह प्रतियोगी का, इसे तुम्हारे मत व्याघात आता, हमारे मत व्याघात नहीं आता। अतः पूर्व उपस्थित प्रतियोगित्व अभावत्वादि विशेषण का भान अभाव ज्ञान तर्क मानते हैं, अतः विशेषण ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान की जनकता कहाँ रह गया, विशेषण ज्ञान में विशिष्ट ज्ञान के जनकत्व तो नहीं रहा, यहाँ विशेषण ज्ञान उपस्थिति नहीं, उसके बिना ही विशिष्ट ज्ञान हो गया, अजय नियम भंग हो गया, फिर वो शंका करेगा, तथापि विशेषणता अवच्छेद का प्रकार का ज्ञान बिना खत्म विशिष्ट विशिष्ट बुद्धि, तो विशेषणता अवच्छेद ज्ञान जरूरी है विशिष्ट विशिष्ट बुद्धि के लिए, दंडी पुरुष के लिए दंडत्व ज्ञान जरूरी है, उसके बिना दंडत्व ज्ञान के बिना आपको दंड ज्ञान नहीं होगा, दंड ज्ञान के बिना दंडी पुरुष ज्ञान नहीं होगा, तो विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान के लिए विशेषणता अवच्छेद ज्ञान अति आवश्यक है। चलो आपने ये कहा विशिष्ट ज्ञान के प्रति विशेषण ज्ञान आवश्यक नहीं है अभाव स्थल को देख करके, लेकिन विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान जहाँ पर हो, अभाव तो विशिष्ट ज्ञान वो छोड़ दो, जहाँ विशिष्ट वैशिष्ट ऐसे स्थलों में विशेषण ज्ञान तो आवश्यक मानना पड़ेगा, और आपका जो अज्ञान हो रहा है घट अज्ञानवान हम या घट अभाव ज्ञानवान हम बोलेंगे, और विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान ज्ञान है वहां तो विशिष्टता ज्ञान अनिवार्य हो जाएगा, तो आप कहते ये भी नियम नहीं है वास्तव में, इति चिन्ह विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धित्व विशेषतावच्छेद प्रकार ज्ञानत्व कार्य कारण भाव मन भाव कहते विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धित्व हरेक जगह विशिष्ट वैशिष्ट बुद्धित्व हम ज्ञान को मानते हैं, न तो विशेषणतावच्छेद तला वाले पहले विशेषणता, इसलिए विशेषणतावच्छेद जो प्रकार का ज्ञान आवश्यक है विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान के लिए ये भी हम नहीं मानते, विशेषणतावच्छेद प्रकार के ज्ञानत्व च कार्य कारण भावे मान भावाद, ऐसे कार्य कारण भाव मानने में कोई प्रमाण नहीं होता, किंतु क्या है, किंतु प्रत्यक्षत्व रूपेण पृथक पृथक कृत्य कार्य कारण भाव उपत्ते है, उन्हें कार्यतावच्छेद प्रत्यक्षत्व रहता है और कारणतावच्छेद इंद्रिय सन्निकर्ष आदि को माना,
हम कहीं भी विशेषणतावच्च प्रकारकत्वेन कार्य कारण भाव माना कि पर्वत्व निर्माण उत्पत्त हुआ ज्ञान, वहाँ विशेषणतावच्च प्रकार ज्ञान जरूरत है क्या? वहाँ पर आपने कहा ना व्याप्ति ज्ञानत्व कारण मानूंगा उसको, और अनुमिति में अनुमितित्व न, न तो विशिष्ट वैशिष्ट अवगाय बुद्धित्व न। भाई पर्वत वन्य मान को वन्यतावच्छिन्न वन्नी तारस वन्नी वाला पर्वत देखने विशिष्ट वैशिष्ट अवज्ञान दिख रहा है, इसका अवच्छेद आपने क्या माना? विशिष्ट वैशिष्ट अवगाय बुद्धित्व ज्ञानत्व को माना या अनुमितित्व माना? अनुमितित्व माना घटवत भूतलम में भी प्रत्यक्ष में घटतावचन घट है तर घट संयुक्त भूतल है, ये भी विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान है, लेकिन यहाँ विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान हम इसको मानते ही नहीं ज्ञान, हम इसको प्रत्यक्षत्व ज्ञान मानते हैं। घट को लाघव है, शरीरकृत लाघव है ना, अयं घट को प्रत्यक्षत्व प्रत्यक्ष ज्ञान मानना, विशिष्ट वैशिष्ट अवगाह ज्ञानत्व ज्ञान मानने में कौन सा लाघव है? प्रत्यक्षत्व है ना। एवं जितने भी ज्ञान आपका अनुमिति है उपमिति है शब्द है सकल ज्ञान ऐसे ही है सभी के सभी विशिष्ट वैशिष्ट अवगाह ज्ञान, किंतु उनका अवच्छेद गम विशिष्ट अवश्य अवगाह बुद्धित्व नहीं मानते, किंतु प्रत्यक्षत्व अनुमितित्व उपमितित्व शब्दत्व मानता हूँ। इसी प्रकार कारणतावच्छेदक में जाओ, कारणतावच्छेद विशेषणतावच्छेदक हम कारण नहीं माना, वहां पर विशेषणतावच्छेदक क्या है? घटत्व, घटत्व हमको घट ज्ञान को हम कार्य कारण मानेंगे, कारणतावच्छेदक। कारणतावच्छेद क्या है वहां पर? इंद्रिय सन्निकर्षत्व आदि न कि घटत्व। हमें अयं घट ज्ञान उत्पत्ति के पीछे कारण कौन है? इंद्रिय सन्निकर्ष है या घटत्व है? इंद्रिय सन्निकर्ष मुख्य है, इसे हमारे में कारणतावच्छेद कौन हो जाता है? इंद्रिय सन्निकर्षत्व आदि। अनुमिति में व्याप्ति ज्ञानत्व, उपमिति में असादृश्य वाक्यार्थ ज्ञानत्व, शब्द में पदार्थ ज्ञानत्व, सभी में विशेषणतावच्छेद प्रकार का ज्ञान को हम कारणतावच्छेद मान ही नहीं रहे हैं, अन्य चीजों को हम मान रहे हैं। अतः नियम बनता ही नहीं, सर्वत्र विशिष्ट विशिष्ट वैशिष्ट अवगाह ज्ञान के प्रति विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञानत्वावच्छिन्न ही विशिष्ट वैशिष्ट ज्ञान कार्य होना चाहिए, और विशेषणता अवच्छेद प्रकार ज्ञानत्व नहीं कारणतावच्छेद का वचन कारण होना चाहिए, ये कोई नियम नहीं रहा कि प्रत्यक्षतावचन कार्य के प्रति इंद्रिय सन्निकर्षात्वावचन कारणता कार्य कारण भाव सिद्ध है, यह लाघव भी है। अतः आपके जो लंबा चौड़ा नियम है ये कार्य कारण भाव का भंग हो गया। वो ज्ञान कारण है क्या? उसका भी उत्पत्ति कौन करा? घट तो कैसे दिखा आपको? इंद्रिय सन्निकर्ष से कांतावच्छेद कौन बना? घटत्व या इंद्रिय सन्निकर्षत्व? नहीं तो घटत्व भूतलम ज्ञान ही नहीं होगा आपको। भाई इंद्रिय सन्निकर्ष से संयुक्त समवाय संबंधी घटत्व का आपने देखा है ना, तब तो घटत्वचन घट और घट विशिष्ट भूतल ज्ञान हुआ, तो कांतावच्छेद मुख्य कौन हुआ? घटत्व के प्रति घट के प्रति भी दोनों के प्रति विशेषणतावच्छेद ज्ञान और विशेषता विशिष्ट जो घटक ज्ञान, इन दोनों के प्रति भी कौन बना कारणतावच्छेद? इंद्रिय सन्निकर्षत्व एक मानना लागव है,